SSB इंटरव्यू 5 डे प्रोसेस होती है, जिसे 2 स्टेजेस के अंडर डिवाइड किया जा सकता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफ SSB। तो आज हम बात करेंगे स्टेज 1 की OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। SSB की स्टेज 1 में SSB के लिए आए कैंडिडेट्स को अच्छा परफॉर्म करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसी स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट में ही फिल्टर करके वापस भेज दिया जाता है, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता है। स्टेज 1 में 2 टेस्ट होते हैं, नंबर 1 OIR टेस्ट, सेकंड PPDT टेस्ट, जिसे पेपर प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर स्टोरी राइटिंग, नरेशंस एंड ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। सबसे पहले होता है OIR टेस्ट, जिसमें आपको 2 टेस्ट देने होते हैं। दोनों में ही वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। OIR टेस्ट को DRDO के DIPR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च द्वारा बनाया गया है, और ये सभी SSB बोर्ड्स के लिए बनाया गया है। OIR टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइम अलॉट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की जो एंट्री है वो SSB के लिए किसके थ्रू हुई है। फॉर एग्जांपल, यानी अगर कैंडिडेट NDA, CDS और FCAT के रिटर्न को क्लियर करके SSB के लिए आया है, तो उसे 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर TES, TGC और SSC टेक डायरेक्ट एंट्री से आया है, तो अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सेंटर 18 से 25 मिनट दिए जाते हैं OIR टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। OIR टेस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी वॉच एंड कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना होता है। कोई रफ शीट भी एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है। टाइम ओवर होने से 5 मिनट पहले आपको बता दिया जाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि OIR में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिसकी वजह से वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। इसलिए अपने दोनों पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, नहीं तो स्टेज 1 को क्लियर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एंड इतने कम टाइम के अंदर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपकी प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो इसके लिए आप DCG डिफेंस अकेडमी की SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड गाइडेंस की क्लासेस को ले सकते हैं, जिसको लीड करते हैं कर्नल पुनीत सहगल, जो GTO इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB में रह चुके हैं, और अपनी लाइफ के मोर देन 15 ईयर्स उन्होंने ऑफिसर्स को रिक्रूट किया है। बिकॉज दे गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट हाउ टू क्लियर देयर SSB एंड क्या इंस्ट्रक्शन को एट दैट टाइम फॉलो करना चाहिए, ये सभी वो बताते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। वी कॉन्टिन्यूसली ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।